नमस्कार, रणनीति में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आखिर सरकार ने एक फैसला लिया और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, 1.5 रुपए घटाए गए हैं। तेल कंपनियां 1 रुपए और घटाएंगी और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वो भी 2.5 रुपए तक वैट घटाएं। एक्साइज ड्यूटी हम लोग 1.5 रुपया 1.50 रुपए कम करेंगे और जो OMCs हैं वो 1 रुपए की कटौती अपनी प्राइसिंग में फैक्टर इन करेंगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे। मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिख रहा हूं अभी कि जैसे 2.5 रुपए का कटौती सेंट्रल गवर्नमेंट अब्सॉर्ब कर रही है थ्रू दी रेवेन्यू एंड थ्रू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इक्विवेलेंट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी अब्सॉर्ब करें। तो अब स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश की गई है और कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो वैट घटा भी चुके हैं। जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पर कई राज्यों में घटाया। वैसे एक नज़र डालते हैं अलग अलग वक्त पर जो एक्साइज ड्यूटी रहा है उस पर। शुरू से 2014 से हम शुरू कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 को पेट्रोल पर 9.48 रुपए और डीजल पर 3.56 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, ये प्रति लीटर है। 17 जनवरी 2015 को पेट्रोल पर 17.46 रुपए और डीजल पर 10.26 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी। 31 जनवरी 2016 को पेट्रोल पर 21.48 रुपए और डीजल पर 17.33 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी। और 4 अक्टूबर 2017 को पेट्रोल पर 19.48 रुपए और डीजल पर 15.33 रुपए एक्साइज ड्यूटी रही, जो अभी भी है और ये बरकरार है अभी तक, जिसमें अभी केंद्र सरकार ने अब 1.5 रुपए की कमी की है और 1 रुपए जो है वो तेल कंपनियां। लेकिन तेल का जो दाम हम और आप देते हैं उसमें वैट भी जुड़ता है। जैसे अगर हम दिल्ली का उदाहरण दें, एग्जाम्पल है ये, तो पेट्रोल में प्रति लीटर कितना होगा, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, मान लीजिए हम जो लास्ट एक्साइज ड्यूटी है उसको अगर हम काउंट करते हैं तो 19.48 रुपए, वैट 17.80 रुपए, तो कुल टैक्स हो जाता है 37.28 रुपए। कुल मिलाकर बाकी चीजें मिलाकर कीमत हो जाती है 83.73 रुपए दिल्ली में पेट्रोल की। डीजल पर अगर हम देखें तो केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 15.33 रुपए, वैट 11.02 रुपए, कुल टैक्स 26.35 रुपए और कुल मिलाकर कीमत यहाँ पर 75.09 रुपए। लेकिन तेल के दाम जून 2016 से लगातार बढ़ रहे हैं और ऑन एन एवरेज 25 रुपए तक बढ़े हैं। डीजल में 300% तक बढ़ा है और 5 रुपए अब घटाए जाएंगे। 5 रुपए भी तब अगर राज्य भी 2.5 रुपए घटाते हैं तब, और जहां पर नहीं घटाते हैं वहां पर सिर्फ 2.5 रुपए घटेंगे। तो 5 रुपए घटाने के बाद हमारा सवाल है कि 5 रुपए घटाने से आम आदमी की जिंदगी क्या आसान हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा कुछ दूर से जुड़ रहे हैं, अपने दफ्तर से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दिल्ली में ही हैं। सीनियर डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू बिजनेस लाइन के और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं वेद जैन हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। तो इन दोनों खास मेहमानों से हम इस पर चर्चा करेंगे। वेद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अभी मैं बहुत सारी हेडलाइंस वगैरह देख रही थी अलग अलग जगहों पर, कुछ लोगों की बातें भी सुनी, जो हम अलग अलग लोगों से हमारे रिपोर्टर्स बात करते हैं, तो एक तरह से जो हेडलाइंस थी कि वो ये कि खुशी की लहर, तो ये खुशी की लहर जैसी पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रहा है कि खुशी की लहर, ये ऊंट के मुंह में जीरा टाइप ज्यादा लग रहा है। देखिए, खुशी की लहर तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अगर आप जैसे अभी स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे थे रेट कैसे कैसे बढ़े हैं, अगर मैं एक थोड़ा सा भी अगर नजरें डालें रेट के ऊपर, आज अगर 2.5 रुपए सेंटर ने कम किए और 2.5 रुपए स्टेट के भी मान लिए जाए, 5 रुपए कम कर दिए जाए, तो आज की डेट में जो पेट्रोल का और डीजल का कंज्यूमर है वो कहाँ स्टैंड करता है? वो स्टैंड वहीं करेगा जो एक महीने पहले स्टैंड करता था। अच्छा, जो आज जो पेट्रोल का रेट 84 रुपए दिल्ली में मान के चलते हैं, 84 रुपए कुछ पैसे जो लगाया हुआ है, तो दिल्ली में 1 सितंबर को भी रेट 78 रुपए था। तो आज की डेट में मानिए 1 सितंबर 2018 को एक महीने पहले जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति अभी वहां वापस आ गई है। और एक महीने में जब ये 5 रुपए के रेट ऐसे बढ़ सकते हैं,
अब ये जिस ढंग से इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के और जैसे रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में, अब ये क्या अश्योरेंस है कि ये 5 रुपए की जो आपने कमी की है अगले 15 दिन में खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल, बड़ा भारी अपने आप में विरोधाभास है। या तो सरकार ये आज की डेट में ये अश्योरेंस करे कि भाई हमने आज ये रेट फ्रीज कर दिए हैं, और आगे आने वाले समय में अगर कोई क्रूड ऑयल बढ़ता है या करेंसी की वजह से कोई पेट्रोल पे इफेक्ट पड़ता है तो वो सरकार बियर करेगी, कंज्यूमर बियर नहीं करेगा, फिर तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी लहर हो सकती है कि चलो मानिए सरकार ने एक अश्योरेंस दिया कि और आगे महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ये मानना चाहिए कि 78 रुपए का रेट भी जो था वो पहले एक महीने था, वो भी एक हाईएस्ट एवर रेट था। बिल्कुल। और जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पड़ते हैं इससे इकोनॉमी के हर आदमी के हर व्यक्ति पे बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो कंज्यूमर जो आदमी आम आदमी है वो डीजल के ऊपर बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, गुड्स की होती हैं, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है तो उसके साथ उसकी महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, बिल्कुल एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, जिसका महंगाई बढ़ने से इन्फ्लेशन आने से इंटरेस्ट पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इस पर वापस आते हैं, लेकिन शिशिर से मैं पूछना चाहती हूँ। शिशिर, यहाँ पर एक बात इन्होंने जो वेद जैन साहब ने कही है कि अगर सरकार ये कहती कि हम फ्रीज कर रहे हैं यहाँ पर और कम से कम 10 दिन या 15 दिन ऐसे ही रहेगा, हालांकि डी कंट्रोल होने के बाद रोज हम देख रहे हैं कभी 2 पैसे कभी 12 पैसे कभी 22 पैसे ये बढ़ता रहता है, लेकिन क्या फ्रीज करने का दाम जो है वो फ्रीज करने का ऑप्शन सरकार के पास आज की तारीख में है? देखिए, अगर आमदनी की स्थिति देखे, सरकार की आमदनी की स्थिति देखे, तो ऐसे में फ्रीज करने का विकल्प जो है वो नहीं बचता है। दूसरा क्या है कि जब आप डीरेगुलेशन के दौर में पहुंच चुके हों और वहां पर फिर अगर आप कहते हैं कि 10 या 15 दिन तक हम दाम कोई नहीं बढ़ने देंगे, भले ही जो है वो कच्चे तेल के दाम जहां से जहां पहुंच जाए या फिर रुपया और कमजोर हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो ये एक विकल्प अच्छा है, लेकिन इस विकल्प पर अमल करना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी खजाने की जो मौजूदा स्थिति है और वैश्विक स्तर पे जो अनिश्चितता है वो इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन शिशिर, फिर ये तो आज जो 5 रुपए या 2.5 रुपए जो भी घटे हैं, फिर ये तो बेहद ही टेम्पररी हम कह सकते हैं, ये कहें कि हम सिर्फ आज भर की बात है, एक दिन की बात। देखिए, अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि आज एक सवाल उठ रहा था कि क्या ये टाइमिंग सही है। देखिए, टाइमिंग आज से एक महीना पहले, जैसा कि वेद सर भी कह रहे थे कि 78 रुपए कीमत थी, उस समय भी अगर कच्चे तेल की कीमत को देखें तो उस समय भी कहा गया था कि 2 रुपए घटा देने चाहिए। अगर उस समय 2 रुपए कमी की गई होती तो आज उसका असर बिल्कुल खत्म हो चुका होता और फिर नए सिरे से कमी करने की मांग बनती। पर परेशानी यह है कि जो परिस्थितियां हैं वो हमारे काबू में नहीं है। आप अगर कच्चे तेल की बात करते हैं वो हमारे काबू में नहीं है, अगर अमेरिका की नीति की बात करते हैं जिसकी वजह से रुपए पर काफी असर पड़ रहा है वो हमारे काबू में नहीं है। तो जब ये 2 परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं है तो हम टाइमिंग नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि ये जो कटौती की गई है ये नाकाफी है या काफी है। इस समय की जो जरूरत थी वो कटौती करने की थी, वो की गई है। एक बात कादम्बिनी और कहना चाहूंगा कि थोड़ा समय का भी ध्यान रखिए। हम सभी जानते हैं कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, तो इसलिए अब सरकार के सामने कोई और विकल्प नहीं था कि वो इसको और ज्यादा दिनों तक टाल सके, तो उन्होंने ये कदम उठा लिया। ठीक है, वेद सर, मैं बहुत एक शॉर्ट में जवाब चाहती हूँ। जो शिशिर कह रहे हैं कि टाइमिंग की बात हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि अगर जब उस समय जब शुरू शुरू में बढ़ना शुरू हुआ था और जब प्रति बैरल दाम बहुत कम थे उस वक्त किया गया होता तो शायद ये आज जो पॉलिटिकल मजबूरी है कम से कम वो नहीं होती। नहीं, मेरा इसका कारण एक और भी होगा। देखिए, जब पेट्रोल के प्राइसेस 2013-14 के बाद गिरने शुरू हुए और सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी तो सरकार ने ये इंडिकेशन दी थी कि हम एक्साइज ड्यूटी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कल को अगर प्राइसेस बढ़ते हैं दोबारा तो हम आपको उसमें से दे सकें। लेकिन इसलिए सरकार को जब जब प्राइस बढ़े तो जितना जितना उन्होंने उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी उतनी कम करनी चाहिए थी। तो इसलिए मेरा कहना है कि एक्शन डिलेड है इस वजह से। अच्छा। अगर ये पहले करते तो उस वजह से हो सकता है, यानी कि जब प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरी उस वक्त उसके हिसाब से घटाया नहीं। ये पेरिटी कंज्यूमर के साथ रखनी थी। जैसे आपने प्राइसेस 70 रुपए से पेट्रोल के प्राइसेस 140 बैरल से जो नीचे आ रहे थे और आप एक्साइज ड्यूटी को 9 रुपए से 11 से 12 से 13 ले जा रहे थे, तो उसी तरह से जब पेट्रोल प्राइसेस वापस जा रहे थे 40 बैरल से ऊपर तो सरकार को फिर एडजस्ट करना चाहिए। असल में समस्या यहाँ पर ये हुई है कि पेट्रोल या डीजल के जो दाम है वो ऊपर ही ऊपर गए, चाहे वो 2 रुपए हो, 2 पैसे हो, 4 पैसे हो, 12 पैसे हो, ऊपर गया है, लेकिन जब दाम घटे तो वो नीचे नहीं आया। ये कहीं ना कहीं एक गुस्से का कारण लोगों का जरूर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।
मार्केट है, जो स्थितियां हैं वो बहुत अनस्टेबल हैं, स्थिर नहीं है। दूसरी तरफ यहां पर चुनाव होना है, 2019 में लोकसभा चुनाव यहां पर होने, अभी राज्यों के चुनाव होने कुछ ही दिनों में, तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव नहीं है, तेल की कीमतों को लेकर जितना गुस्सा है और जितनी हताशा है लोगों में बढ़ती कीमतों को लेकर, क्या ये संभव नहीं है कि डीरेगुलेशन को वापस रेगुलेशन मोड में ले आया जाए, कुछ दिनों के लिए कम से कम फ्रीज कर दिया जाए ताकि बाकी जो कंडीशंस हैं वो जैसे भी रहें, कम से कम तेल के दाम जो हैं वो इस तरह से लोगों पर असर न डालें। देखिए, यहाँ पे कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान कर दिया है, आप आयुष्मान की बात कर लीजिए, एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ी रकम उसके ऊपर खर्च होने वाली है। अगर आप फ्रीज करते हैं मान लीजिए, तो आपका इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कुछ भी अंतर है कि जो बाजार कीमत है और जो ग्राहक को मिल रही है कीमत, उसके बीच का जो भी अंतर है वो अंतर आपको देना पड़ेगा। अब वो अंतर देने के लिए आपके पास कमाई इतनी होनी चाहिए, अभी जीएसटी बहुत सेटल नहीं हुआ है। जो कह रहे थे अवे जैन साहब, वो स्थितियों की बात कर रहे थे, जो जो उन्होंने बोला उसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जो इम्पैक्ट के लिए जो एक पैसे बचा के रखे गए थे कि हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, हम इसलिए टैक्स लगा रहे हैं, वो दूसरी चीजों में डाइवर्ट हुआ। देखिए, क्या है कि जो शीशे बात कर रहे थे, उसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि 2010 तक पेट्रोल ऑल प्रोडक्ट्स पर अंडर रेगुलेशन, तो कंप्लीट कंट्रोल था। और उस समय भी ये परिस्थिति तो आती थी, जो प्राइसेस राइज होते थे तो उसमें सरकार ही बियर करती थी। तो आज की डेट में ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार इसको बियर नहीं कर सकती। हुआ क्या है कि 2014 के बाद जब भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और जो पैसे सरकार ने एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी में इकट्ठे किए, उस टोटल कलेक्शन को आपने जनरल बजट का पार्ट बना लिया। अच्छा। और जनरल बजट का पार्ट बना के आपने जनरल पर्पजेस के लिए इसको यूटिलाइज कर लिया। तो आज की डेट में जब परिस्थिति बदल रही है, तो आपको उस जनरल बजट में से वो पैसे निकालने का साधन नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने उसको जनरल कॉजेज में यूज कर लिया। अगर उसको स्पेशल पर्पज बजट का यू बना के चला जाता कि ये कॉन्टिजेंसी में पैसे इकट्ठे किए गए हैं और ये उसको वापस देने पड़ सकते हैं, तो वो वहीं अप्रोप्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये समस्या वहां से आ रही है। और दूसरी बात मेरा कहना है, जो अभी हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे, कि वर्ष 2010 से पहले भी तो ये सरकार के साथ परिस्थिति आती थी कि सरकार के समय जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते थे वो सरकार बियर करती थी या ऑयल कंपनियां बियर करती थी। यानी कि अभी हम ये समझें कि अभी जो स्थिति बनी हुई है कि आज कल कुछ दिनों के लिए भले ही राहत मिले, थोड़े से दाम जो कम हुए हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है वो अस्थिर होती है तो पेट्रोल तेल की जो तेल की कीमतें हैं वो किसी हद तक भी जा सकती हैं। नहीं, वही देखिए, आज की डेट में जो विचित्र समस्या है वो ये है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत की इकोनॉमी पे और आम आदमी पे कितना प्रभाव पड़ता है। हाँ। एक तरीका तो ये है कि हम ये कह दें नहीं, सरकार इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के पास साधन नहीं है, और कंज्यूमर जो है वो इसको बियर करे। कंज्यूमर अगर उसको बियर करता है तो कंज्यूमर के ऊपर जो उसका इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, जो उसके सब्सिस्टेंस लेवल का प्रेशर है, और जो उसके कॉन्सिक्वेंशियल जो इम्पैक्ट है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट है इकोनॉमी के, वो सारे आएंगे और अल्टीमेटली वो इफेक्ट गवर्नमेंट को करके जाएंगे। क्योंकि आपकी इकोनॉमी की अगर ग्रोथ नहीं आएगी और इकोनॉमी में अगर आज की डेट में वर्किंग नहीं इंप्रूव करेगी तो आपकी ओवरऑल कलेक्शन फिर गिर जाएगी। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में जो भी एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी और आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो पहले 2010 से पहले का जो रेगुलेटेड रिजीम था, उस रिजीम में जो सरकार जिस तरह से इसको हैंडल करती थी, क्यों नहीं आज की डेट में इस जो अभी जो परिस्थिति बनी हुई है यहाँ पर और जो चुनाव जो होने, तो हम क्या ये कहें कि हालांकि एक तरह से कोशिश की है सरकार ने, जो भी अभी जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, जो सरकारी खजाने की स्थिति है, जो नए नए कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं उनकी स्थिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, सबको देखते हुए जो अभी सरकार ने किया है, एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें करने की स्थिति सरकार की नहीं है, फंस गई है एक तरह से सरकार। मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, क्या है कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन को और इकोनॉमिक समस्याओं को इकोनॉमी से ही हैंडल करना पड़ेगा। हाँ। देखिए, आप उसमें दूसरी कंसिडरेशन को लेकर आएंगे तो आपके ना उसकी जो प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आप ये आज की डेट में ये मान के चलना पड़ेगा कि आज के पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट उस लेवल पर राइज नहीं हो रहे, जिससे हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, जिससे ग्रोथ हमारी हैम्पर हो रही है। तो आज की डेट में इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के हमें इकोनॉमिक मेजर ही लेने पड़ेंगे, और जब इकोनॉमिक मेजर्स हम लेने पड़ेंगे, जो जैसे
पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए होता है उस समय कंसल्टेशन यही होती है कि मैं वो मेजर सारे ले लूं जिससे इस इकोनॉमी की हेल्थ ठीक हो जाए। लेकिन तो अगर आम आदमी की हम भाषा में बोलें तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो राहत है ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, बहुत टेम्पररी राहत है, तो उस हिसाब से आप सोचें समझें और उसी हिसाब से तेल भी खर्च करें और जब तक राहत है तब तक खुश रहें। फिलहाल मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।